हाँ जी यार, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी यार मैं ना आया हुआ था अपने रिलेटिव से मिलने नियर ऊना डिस्ट्रिक्ट। 15 मिनट्स का डिस्टेंस पे एक विलेज है जिसका नाम है हरोली। मेरे नाना जी मामा जी उन्हीं वहाँ रहते हैं उस जगह पे, तो मैं वहाँ पर आया हुआ था अभी। एंड मॉर्निंग में हमने एक क्लिप रिकॉर्ड करी थी। अभी आज की वीडियो पूरी बनाने के लिए आप पहले ना वो वाली क्लिप देख लो, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी आए कहाँ पे। प्रिंस काम पर लेके जा रहे हो आज? फिर मछली वाटर डालने कहाँ पर है? सुवान नदी में। अच्छा चलो आ जाओ फिर चले। यार बस कुछ इस तरह हुई थी हमारे दिन की शुरुआत। अभी आया हुआ हूँ मैं प्रिंस के साथ। एंड अभी प्रिंस के साथ अभी हम आए थे यहाँ पर स्वां पे। नाम है नदी का क्या? वैसे स्वां बोलते हैं। अच्छा ये ना नदी का नाम है स्वां भद्रा, पर अभी सारी सूखी हुई है गर्मी के कारण। सोमभद्रा। अच्छा यहाँ पर पानी भर जाता है जब सीजन होता है तो, या इतना ही रहता पानी? ये जितना भी दिख रहे हैं ये ऊपर तक भर जाता पानी। अच्छा यहाँ का ना पानी पूरा ऊपर तक भर जाता है। अभी जहाँ पर हम खड़े हुए हैं वो वाली जगह पे सारा पानी आ जाता है। ये देखो यहाँ पर पीछे पत्थर भी लगाए हुए हैं ताकि जो पानी है वो दूसरी जगह ना जा पाए। एंड ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था। प्रिंस बता रहा था कि इसकी फंडिंग वगैरह सारी इस प्रोजेक्ट की ना जापान से हुई थी। प्रिंस जापान से यहाँ पर डैम बना है प्रॉपर। अच्छा बंद करा था ना, नहीं तो पहले गाँव की साइड पानी चल जाता था, तो इन्होंने दोनों साइड अपना मिट्टी से थोड़ा पहाड़ टाइप खड़ा करके यहाँ पर जगह को क्लोज करा ताकि फसलें बर्बाद ना होए। एंड विलेज की साइड जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर पानी ना जाए इन केस हैवी रेनफॉल होती है। यहाँ पर ये सारा एरिया भर जाता है यार। प्रिंस रोज डालने आते हैं यहाँ पर अपना मछलियों को दाना। छोटी छोटी मछलियाँ हैं ऊपर ऊपर। तो यार मछलियों को ना यहाँ पर हमने खाना डाला थोड़ा टाइम एंड फिर हम चल पड़ते हैं वापस। अभी बताता हूँ कि कहाँ जा रहे हैं, बट उससे पहले एक और चीज़ बता देता हूँ। आजकल ना इंडिया में हम आए हुए हैं जैसे कि आपको पता है, एंड यहाँ पर आके काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है रिलेटिव्स के घर पे, बिकॉज ऑफ विच रेगुलर वीडियो नहीं अपलोड हो पा रही। तो इन केस अगर आपको रोज़ वीडियो नहीं देखने को मिलती तो खुद समझ जाना कि मैं ट्रैवल काफ़ी कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ विच एडिट करने का टाइम नहीं है ज़्यादा, बट जब टाइम लगेगा तब आपको दिखा दूंगा। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर। ये है मेरे नाना जी का घर। ये वीडियो मैंने स्पेशली रिकॉर्ड करी है अपनी मम्मा के लिए, बिकॉज मम्मी को काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पर विजिट करे को, एंड इस बार मम्मी हमारे साथ भी नहीं आए, तो मैंने सोचा वीडियो बनाकर दिखा दूँ मम्मी को ताकि उनकी मेमोरीज फ्रेश हो जाए। एंड ये वाला जो रूम है ना, यहाँ पर मेरे नाना जी रहा करते थे। नाना जी नानी जी इस रूम में रहा करते थे। ये है मेरे नाना जी, एंड जस्ट उनके साइड पर मेरी नानी जी की फ़ोटो लगी है। कुछ इस टाइप का उनका रूम था। एंड यहाँ पर मेरे ये जो मेन घर था इसमें रहते थे मेरे दो मामा जी। एंड थोड़ी आगे जाके एक और घर है, सबसे बड़े मामा जी है वो वहाँ पर रहते हैं। तो अगर आपको दिख रहा है सीधे जाके लेफ्ट साइड में एक घर है, यहाँ पर मेरे जो सबसे बड़े मामा जी हैं वो रहते हैं। मेरे टोटल चार मामा हैं, एंड एक मामा दूसरी जगह पे रहते हैं जिसका नाम है ऊना, एंड बाकी तीन मामा यहाँ पर रहते हैं। विशाल यहाँ पर कितना टाइम हो गया ये वाली गाँव को? 4 से 5 मंथ हो गए होंगे। अभी 4-5 मंथ हो गए इसको यहाँ पर आई को, ब्लैक वाली को। और दूसरी वाली तो काफी टाइम से है ना? हाँ, इसको 3-2 ईयर्स। कितने 2 ईयर्स? 3
और ये छोटी वाली कब आई? ये इसके साथ ही आई। किसके साथ? ये वाली? हाँ। ये जो ब्लैक वाली है इसके साथ। अच्छा, इनका खाना फिर कहाँ रखते हो? इनका खाना ये सामने जो ग्रास है इधर से काट लेते हैं। अच्छा, ये जो सामने घास लगा हुआ है और तूड़ी इधर है। तूड़ी दिखाओ। खुल जाएगा अभी रूम? खुला है। अच्छा, यहाँ पर सारा खाना रखा हुआ है ना गाय का? ठीक है। और भी है साइड पे रूम? हाँ, वो कौन से रूम है? उधर भी रहती थी पहले, वहां से बंद क्यों कर दिया? रूम में क्या पड़ा हुआ है? बाबा जी रहते हैं, पूजा पाजा करते थे बाबा जी। अच्छा, ठीक है ठीक है। पहले इधर रहते होते थे? इधर रखते हैं अभी भी। हाँ, अच्छा, गाय पहले इधर रखते होते थे? अच्छा, तूड़ी रखी हुई है इधर भी साथ में। अच्छा, ये भी साथ में ही है। ठीक है ठीक है। ट्रैक्टर रखा हुआ है आपने? कहाँ पर है वो? काम भी रहा है। सामने ही है। अच्छा, छोटे वाला वो जो ट्रैक्टर्स है? अच्छा, वो ठीक है, आजकल वो भी चल गया ना।